हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो वेलकम टू द मैथ्स क्लास वंस अगेन. ओके क्लास, सो बिफोर दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.5 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.6. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.6. ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन. ओके, इस एक्सरसाइज को शुरू करवाने से पहले बेटा मैं आपका एस्टिमेशन के बारे में थोड़ा समझाऊंगी. दो वी हैव ऑलरेडी डन एस्टिमेशन बिफोर ऑल्सो, हमने पहले भी किया है इन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, बट आज डिविजन में भी सेम वही है. अगर आपको समझ में आया है दैट इज वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं समझ में आया दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. बिकॉज इससे पहले जो हमने वीडियोस देखी हैं वो हमने स्क्रीन की वीडियो देखी हैं, तो शायद वो जो फेस टू फेस हम समझ सकते हैं उससे ज्यादा, उससे स्क्रीन से ज्यादा आई थिंक जो फेस टू फेस मैं आपको समझाऊंगी दैट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन वन मोर टाइम दैट हाउ यू विल डू द एस्टिमेशन सम. इफ देयर इज एनी एस्टिमेशन सम तो हमें कैसे करना है विद सम सर्कमस्टांसिस और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द सम. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. ओके, सो सपोज यू देयर इज अ सम एंड यू हैव टू एस्टिमेट इट. सपोज एंड आपको क्वेश्चन सम लिखा हुआ है, एस्टिमेट 642. एस्टिमेट 642. ओके, तो इसमें आपको एस्टिमेट करना है. यहां पे लिखा नहीं है बेटा दैट यू हैव टू एस्टिमेट टू नियरेस्ट 100 और यू हैव टू एस्टिमेट नियरेस्ट 1000. यहां पे कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन है? नो. ओके, सो दैट मींस अब इसकी एस्टिमेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर हमें दिया होगा कि एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 तो हम नियरेस्ट 100 एस्टिमेट कर देंगे. इफ इट इज गिवन दैट नियर एस्टिमेट नियरेस्ट 1000 वी विल डू दैट ऑल्सो. बट इफ देयर इज नथिंग इज गिवन दैट अकेला यही दिया है दैट जस्ट एस्टिमेट दिस एंड दिस. ओके, जस्ट सपोज इट इज रिटन एज एस्टिमेट 642 / 32 / 39. ओके, ये एस्टिमेशन आपको दिया है. तो अब आपको क्या पता लगेगा इसको नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 10 करना है, कैसे करना है? सो इन दैट केस बेटा व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं हमेशा जो जिस भी डिजिट को हमें एस्टिमेट करना है तो उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखते हैं. सो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? देखिए जैसे 642 है, 642 तो इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 100. ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है. सो द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन दिस इज 100 एंड इन दिस इज 10s. तो इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 10s और इसमें क्या है? 100. सो दोनों में जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वो अलग अलग है तो इसको हम उसी के हिसाब से एस्टिमेट करेंगे. दैट मीन्स कि अगर इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 है तो 642 को हम नियरेस्ट 100 एस्टिमेट करेंगे एंड इफ देयर इज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 10 एंड देन वी विल एस्टिमेट इट टू द नियरेस्ट 10s ओनली. क्लियर? सो इफ देयर इज नथिंग इज गिवन दैट यू हैव टू एस्टिमेट इट टू व्हाट, then you will estimate to it to the its highest value. जो भी उसकी highest value दी हुई है उसके नियर उसको estimate करेंगे. Clear? ऐसे ही होता है. And in some sums of your book that there is a little incorrection, the correction is not proper. So हम उस केस में ऐसे करेंगे. Clear? So देखिए अगर हम इसको nearest 100 estimate करते हैं, 642 को nearest 100 estimate करना है, क्या आएगा? देखिए 642 जो है वो कौन से दो हंड्रेड्स के बीच में आएगा? 600 एंड 700 इन दो हंड्रेड्स के बीच में आएगा. 600 और 700 का मिड पॉइंट क्या है? 650 यही होगा मिड पॉइंट इन दोनों का, क्या है? 650. अब आपको क्या देखना है जब आप सॉल्व करेंगे सम कि आपको 642 की एस्टिमेशन करनी है. ओके, ये कौन से 200 के बीच में आएगा? 600 एंड 700. इसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे 650. अब ये देखिए 642 फर्स्ट पार्ट में आएगा या सेकंड पार्ट में आएगा अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो? 642 600 और 650 के बीच में आएगा, इसके बीच में तो नहीं आएगा. सो दैट मीन्स ये इसके बीच में आएगा. सो दैट मीन वी विल राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 600. क्लियर? सो 642 विल बिकम 600.
डिवाइडेड बाय, क्लियर? सेम सेकंड में उसमें नियरेस्ट टेंस करना है, सो दैट मीन्स जो 39 है कौन से दो टेंस के बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में, क्लियर? इसका मिड पॉइंट क्या है, 35, तो 35 इज द मिड पॉइंट ना, सो 35 लाइव 39 विल लाइव बिटवीन द फर्स्ट पार्ट और द सेकंड पार्ट, मतलब 35 और 40 के बीच में आएगा, सो दैट मीन इट लाइज हियर, सो दैट मीन्स वी विल राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 40, क्लियर? दिस इज हाउ वी डू द एस्टिमेशन. एक और तरीका है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, सपोज द सेम सम इज हियर 642, इसको एस्टिमेट करना है एंड यू हैव टू एस्टिमेट 39 ऑल्सो, वॉट यू डू, इसमें हम क्या देखते हैं, इफ द अगर देखेंगे वही सेम एग्जैक्टली दैट the highest place value will, we will see the highest place value that is 100. So we will estimate 642 the nearest 100 only. Okay? But we have to estimate to the nearest 100. So half of 100 is 50. Half of 100 is 50. 100, we have to estimate to the nearest 100 now and half of 100 is 50. So what we will show, 50 is of 2 digit now. So hum iske last 2 digit dekhenge. If they are less than 50, तो हम पीछे वाले 100 पे जाएंगे एंड इफ दे आर मोर देन 50, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट 100. सो 42 इज लेस देन 50, सो वी विल राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 600. ओके, सपोज यहाँ पे 482 होता, सो दैट मीन्स हाफ ऑफ 100 इज 50 एंड इट इज द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस इज 82 विच इज ग्रेटर देन 50, सो दैट मीन्स वी विल राउंड इट ऑफ टू द 700. क्लियर? सो सेम एज इट इज हियर दैट द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू इन दिस इज 10, 10 जिसमें हाइएस्ट प्लेस वैल्यू है, 10 का हाफ कितना होता है, 5. सो 5 इज अ वन डिजिट नंबर, सो लास्ट वन डिजिट नंबर देखेंगे, इफ दैट इज मोर देन 5 देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टेंस एंड इफ इट इज लेस देन 5 देन वी विल कम बैक टू द लास्ट टेंस. ओके, सो 9 इज ग्रेटर देन 5, सो वॉट विल वी डू, वी विल राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 40. So this is how we do the estimation. Okay, you can use any method, whatever you like. चाहे आप वैसे midpoint निकाल के करिए, चाहे ऐसे करके करिए. Do whatever you like, but do correctly only. Clear class? So this is these are the two different methods of doing the estimation. I hope the estimation is clear to you all. But बेटा just think, बहुत ध्यान से देखेगा. But if there is the estimation is already given that you have to estimate it to the nearest tens or 100 or 1000 whatever is given. तो उसको उसी के नियरेस्ट करना है, ये नहीं कि हम उसमें भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखने लग जाएंगे. नो, इफ द एस्टिमेशन इज नॉट गिवन कि आपको कहां पे किसके नियरेस्ट एस्टिमेट करनी है, सो इन दैट केस वी विल यूज दिस. बट अगर ऑलरेडी एस्टिमेशन दिया हुआ है कि दैट यू हैव टू एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100, सो उसमें आपको उसको नियरेस्ट 100 ही करना होगा. क्लियर? सो दिस वॉज द एस्टिमेशन. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 6.6. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. I hope now you understood how to do the estimation. Okay, so let's begin with the estimation first. So the exercise, the first topic here is estimating the quotient. Okay, so we have to estimate the quotient. So estimating the quotient, कैसे करेंगे बेटा, देखिए. I'm just giving an example first, then we will start with our sums. Okay, so I'll first of all I'm going to give you an example. Okay, so here the question is given. Estimate the quotient. Estimate the quotient. हमें estimate करना है quotient को. Okay? So suppose the number is 45 divided by 28. Sorry. डिवाइडेड बाय 23. यू हैव टू एस्टिमेट अ क्वेश्चन हियर. आप उसको क्या करेंगे, देखिए इसको एस्टिमेशन करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे. सपोज द नंबर इज हियर द नंबर इज 45, सो द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन दिस इज 10 एंड इन दिस इज ऑल्सो 10. सो दैट मीन्स इन दोनों ये दोनों टेंस के नियरेस्ट राउंड ऑफ होंगे. सो देखिए द लास्ट डिस्टेंस मीन्स हाफ ऑफ 10 दैट इज 5.
सो लास्ट डिजिट देखेंगे, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 और 5 तो हम आगे वाले पे राउंड ऑफ करेंगे, एंड इफ इट इज लेस देन 5 और देन वी विल राउंड इट ऑफ टू द लास्ट टेंस। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, सो दैट मीन्स हम इसको जो नेक्स्ट टेंस है दैट इज 50 उसके पास एस्टिमेट करेंगे, डिवाइड 23, सो द लास्ट डिजिट इज 3 विच इज लेस देन 5, सो उसको हम लास्ट वाले एस्टिमेट पे डिजिट पे एस्टिमेट करेंगे दैट इज 20। क्लियर? सो अब इसको हमने ऐसे एस्टिमेशन करनी है, क्लियर का क्लास? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एस्टिमेशन। ओके, 50 डिवाइडेड बाय 2 वी विल डू दैट। ओके, सो जस्ट इग्नोर द जीरोस हियर, जीरो इग्नोर करिए, सिंपली 5 डिवाइडेड बाय 2 करिए। जस्ट हम क्या करते हैं, हम जो जीरोस हैं उसको इग्नोर करते हैं और 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4 1, सो द क्वेश्चन इज 2, सो द क्वेश्चन इज देयरफॉर एस्टिमेटेड क्वोशंट इज 2, क्लियर? देयरफॉर द एस्टिमेटेड क्वोशंट इज 2। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन, दिस इज हाउ वी एस्टिमेट द क्वोशंट, क्लियर? सो दिस इज द सिंपल वन। ओके, लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज फर्स्ट। ओके, आई एम जस्ट, लेट्स डू द फर्स्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 6.6। ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज एस्टिमेट द क्वोशंट ऑफ द फॉर द फॉलोइंग 56 डिवाइडेड बाय 18। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, 56 डिवाइडेड बाय 18, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एस्टिमेशन। ओके, अब देखिए, अब इसमें हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम इसको इकट्ठे लिखते हैं। देखिए, इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 10 एंड हियर ऑल्सो द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 10, सो दैट मीन्स दे बोथ विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 ओनली। सो 56 डिवाइडेड बाय 18 राउंड्स ऑफ 2। अब राउंड ऑफ करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एस्टिमेट करने के बाद ये राउंड ऑफ भी बोलते हैं। 56 हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 10, सो दैट मींस हमें लास्ट डिजिट देखना है कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, दैट इज बिगर देन द 5, दैट 6 इज बिगर, द 6 इज हियर एंड दैट इज बिगर देन 5, सो दैट मींस वी विल एस्टिमेट इट टू द नेक्स्ट टेंस। ओके, सो द नेक्स्ट टेंस इज, नेक्स्ट टेंस क्या होगा, 60, सो हियर वी विल राइट 60। ओके, देन डिवाइड अगेन, द नेक्स्ट डिजिट इज 18, अगेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस बिकॉज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 10 हियर, सो वी हैव टू सी द लास्ट डिजिट अगेन दैट इज 8 एंड विच इज ग्रेटर देन 5, सो दैट मीन्स वी विल राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट टेंस दैट इज 20। अंडरस्टूड? सो ऐसे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू, अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल बी टू डू, टू सॉल्व दिस वी थिंक, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या सोचेंगे, हम किसको, हम जीरोस को इग्नोर कर देंगे, वी थिंक 6 डिवाइडेड बाय 2, अब हम क्या सोचेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको हम सॉल्व करने के लिए करेंगे, हम जीरोस को इग्नोर कर देंगे दोनों में एंड वी विल थिंक दैट 6 डिवाइडेड बाय 2 इज हियर। ओके, सो लेट्स डिवाइड 6 विद 2, 2 3s are 6 माइनस, इज देयर एनी रिमाइंडर, नो, देयरफॉर एस्टिमेटेड quotient is 3, ये आपको शो करनी है कैलकुलेशन, क्लियर? सो द एस्टिमेटेड quotient इज 3, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया कि हमने कैसे करना है बेटा, दिस आर द वेरी सिंपल सम्स।
एंड आई होप दैट आप अपने आप करने की दैट यू आर इजिली बी एबल टू जस्ट सॉल्व दीज काइंड ऑफ सम्स बाय योर सेल्फ ओनली. सो राइट इट डाउन बाय जस्ट पॉजिंग द वीडियो. यू कैन जस्ट राइट इट राइट द सम. ओके जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट द क्वेश्चन. क्लियर? ओके नाउ मूविंग नेक्स्ट द सम नंबर अदर सम्स. ओके एज यू कैन सी द सम नंबर 2, 3 and 4 दे आर ऑल्सो सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ ओनली. सो यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 बाय योरसेल्फ. ओके क्लास. सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन. द फिफ्थ क्वेश्चन वो हम अब करेंगे बिकॉज इट इज लिटिल बिट डिफरेंट. एक्चुअली द प्रोसेस इज सेम बट आपको समझाने के लिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. ओके सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज इट? इट इज 193 डिवाइडेड बाय 23. ओके सो हियर द क्वेश्चन इज 193 डिवाइडेड बाय 23. सो अब इसको हम एस्टिमेट करेंगे. सो 193 डिवाइडेड बाय 23 राउंड्स ऑफ 2. अब इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए ये 193 है. सो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन दिस डिजिट इज 100. 193 में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 है ना. 3 इज 1, 9 इज 10 एंड 1 इज 100. सो द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 100 बट इन दिस सम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज 10. 23, 3 इज 1 एंड 2 इज 10. सो दैट मीन्स इसको हम नियरेस्ट 100 एस्टिमेट करेंगे एंड दिस वी विल एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 10. जो जितना है जिसकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसी के नियरेस्ट उसको एस्टिमेट करेंगे. सो द 193 विल बी एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100 एंड 23 विल बी एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द नियरेस्ट 100. सो इफ वी एस्टिमेट 193 टू द नियरेस्ट 100 सो दैट मीन्स वी हैव टू थिंक दैट द लास्ट टू डिजिट दैट इज 93 That are bigger than 50 or less than 50. अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो लास्ट टू डिजिट है इफ वी आर एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100 जो लास्ट टू डिजिट है वो जो लास्ट टू डिजिट है वो 50 से बड़े हैं कि छोटे हैं. सो 93 इज बिगर देन 50 सो दैट मीन्स वी विल राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट 100 दैट विल बी 200. जो 93 है वो 50 से बड़ा है सो दैट मीन्स अब उसको हम जो नेक्स्ट 100 आएगा उसके पास राउंड ऑफ करेंगे एंड इट विल बिकम 200. क्लियर? नाउ सेम डिवीजन साइन विल बी देयर. आफ्टर दैट 23 द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन 23 में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 10. सो दैट मीन्स हाफ ऑफ 10 इज 5. सो लास्ट डिजिट देखेंगे दैट कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा. सो द लास्ट डिजिट हियर एट वंस प्लेस इज 3 एंड 3 इज लेस देन 5. जो 3 है वो 5 से छोटा होता है तो हम इसको जो लास्ट हमारा 10 वैल्यू थी उसके पास उसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे. नाउ द 23 विल बिकम 20. 23 विल बिकम 20 नाउ. क्लियर? ओके अगेन सेम टू सॉल्व दिस वी थिंक. अब इसमें मैं क्या सोच रहा है? देखिए बेटा इसमें जब हम जो जीरोस को हम कहते हैं कि हम उसको भूल जाएंगे तो उसमें कॉमन चीज जो दोनों में सेम होगी उसको भूलेंगे. जैसे दिस इज 200 एंड दिस इज 20. इसमें 2 जीरोस हैं एंड इसमें 1 जीरो है तो इसमें हम सिर्फ ओनली 1 जीरो जबकि जो दो के दोनों के पास है दैट मीन्स दिस एंड दिस जीरो वी विल फॉरगेट और हम क्या लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 2. ओके अब आप ये नहीं कहोगे मैम हम दोनों जीरो क्यों नहीं मिले. क्यों? क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही जीरो है ना तो वो एक ही जीरो को छोड़ेगा. वो दोनों जीरो को कैसे छोड़ सकता है जो कि उसके पास ऑलरेडी है ही नहीं तो उस चीज को कैसे छोड़ेगा. ओके सो दे बोथ विल जस्ट लीव द 1 0 इट विल बिकम 20 एंड दैट विल बिकम 2. क्लियर? नाउ वी विल डिवाइड 20 विथ 2. Now we will divide 20 with 2. So after divide, 2 के टेबल में 20 आता है. Yes, 2 tens are 20. So 2 tens are 20.
सो द एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 10. देयरफॉर एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 10. एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 10. ओके सो देखिए इसमें क्या डिफरेंट था फर्स्ट सम से. द फर्स्ट थिंग द बोथ द डिजिट्स आर एस्टिमेटेड टू द डिफरेंट नंबर्स. इट इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 एंड इट इज एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 1000. सो ये फर्स्ट सॉरी नियरेस्ट टेंस नॉट थाउजेंड नियरेस्ट टेंस. ओके एंड आफ्टर एस्टिमेशन इट बिकेम 200 एंड द सेकेंड बिकेम 20. बट फॉर सॉल्विंग और फॉर डिवाइडिंग वॉट वी थिंक वी जस्ट लीव दे आर हैविंग द जीरोज तो हम उन दोनों को छोड़ देते हैं. बट इन दिस इट इज हैविंग 200 इज हैविंग टू जीरोज एंड द 20 इज हैविंग ओनली 10. सो दैट्स व्हाई वी हैव लेफ्ट ओनली 10 फ्रॉम द बोथ नंबर्स. द 200 हैड बिकम 20 एंड द 20 हैड बिकम 2. सो आफ्टर डिवाइडिंग 20 विद 2 द वी गॉट 10 एज अवर क्वेश्चन. सो द एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 10. ओके सो दिस इज योर आंसर नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.6. So just pause the video and look, take a look on the question and just solve it on your notebooks also. Okay? Clear? So this is your question number 5 from exercise 6.6. Okay class? So you can pause the video and write the solution. Okay. So let's do one more sum. ओके द सेम एक्सरसाइज ताकि आपको इस चीज की रिवीजन हो जाए. ओके सो आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर. सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8. ओके सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 435 डिवाइडेड बाय 26. 435 डिवाइडेड बाय 26. So the question number is 8. 435 divided by 26. अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है. ओके सो 435 डिवाइडेड बाय 26 राउंड ऑफ 2. अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा देखिए. अगेन द फर्स्ट डिजिट इज ऑफ 3 डिजिट. सो द फर्स्ट नंबर इज ऑफ 3 डिजिट एंड द सेकंड नंबर इज ऑफ 2 डिजिट. सो दैट मीन्स इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 10s. ओके सो लेट्स राउंड ऑफ दिस नंबर फर्स्ट. सो एज वी आर राउंडिंग इट ऑफ टू द नियरेस्ट 100 सो वी विल टेक अ लुक ऑन द लास्ट टू नंबर्स. ओके दैट इज 35. तो जो नंबर्स हैं वो 35 हैं. That is less than 50. So, वो 50 से छोटे हैं. So, that means अब इसको हम किसके nearest round off करेंगे जो last 100 आया था. That is 400. That is 400. Now, it's divided. Clear? This next is 26. So, the highest place value in 26 is 10s. So, that's why we are going to round it off to the nearest 10s. अब इसको हम nearest 10s round off करेंगे. Okay? So, after as we have to round it off to the nearest tens, let's take the look at the last digit of the number, that is 6. So, ye 6 diya hai and it is greater than 5. So, that means we are going to round it off to the next digit, sorry, next tens, that is 30. That is 30. Clear? So, 435 became 400 and 26 became 30. Clear? Now, to solve this, we think, हम क्या सोचेंगे again? Again, we will leave 2110 from the both numbers. That means 400 will become 40 and 30 will become 3. Clear? So now we are going to divide 40 with 3 again. 1, 40 divided by 3. So 3 ones are 3 minus 1 0. 3 threes are 9 minus 1.
ओके सो द रिमाइंडर इज ऑल्सो देयर दैट इज वन बट हमें सिर्फ क्वेश्चेंट एस्टिमेट करना है सो दैट्स वाई देयर फोर अवर आंसर इज एस्टिमेटेड क्वेश्चेंट इज 13 सो एस्टिमेटेड क्वेश्चेंट इज 13 This is our estimated quotient of sum number 8. Clear? देखिए इसमें अलग सा क्या हुआ बेटा इसके पास एक रिमाइंडर भी रह गया ओके जरूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीटली सॉल्व होगा हमेशा sometimes the remainder will also be left there. Okay? So this was our question number 8. So the number was 435 divided by 26. The both the numbers are of different digits. Both the numbers are of different digit. That means इट इज ऑफ थ्री डिजिट नंबर 435 जो है वो थ्री डिजिट नंबर है एंड 26 इज ऑफ टू डिजिट नंबर ओके सो दैट मीन्स द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू इन 435 में हाइएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है 100 सो दैट्स वाई हमने इसको 435 को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ किया एंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट बिकेम्स 400 सेम विद 26 आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू दैट इज 10 हियर इट बिकेम 30 एंड आफ्टर जिसके लिए हमने फिर लास्ट में इन दोनों के जीरो एक एक जीरो रिमूव किए एंड वी थिंक इट एज 40 डिवाइडेड बाय 3 सो आफ्टर सॉल्विंग 40 डिवाइडेड बाय 3 वी गॉट द आंसर 13 दैट इज अवर क्वेश्चन दैट इज अवर एस्टिमेटेड क्वेश्चन सो देयरफॉर एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 13 क्लियर सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर एट क्लियर I hope all the doubts are clear now regarding the estimation. Okay, so let's solve one more sum. Okay, I'll just take one more sum, one different sum from here. Okay, I'm taking sum number 14. Okay, let's take question number 14. So question number 14 is 3609 divided by 52. 3609 divided by 52. देखिए इसमें तो बिल्कुल ही अलग हो गया The first number is of 4 digit. That means इसमें highest place value क्या है 1000 और इसमें highest place value क्या है 10s. So that means 3609 को हम किसके nearest round off करेंगे 1000 And 52 को nearest 10s. ओके सो 3609 डिवाइडेड बाय 53 राउंड्स ऑफ 2 देखिए 3609 को जब हम नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करेंगे तो नियरेस्ट 1000 मींस 1000 का हाफ इज 500 सो 500 से तो हमें 500 में कितने डिजिट्स होते हैं 3 सो हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे दैट इज 609 अगर तो 500 से बड़ा है और या 500 है या 500 से बड़ा है तो वी विल राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट 1000 एंड इफ इट इज लेस देन 500 देन वी विल राउंड इट ऑफ टू द लास्ट वी विल राउंड इट ऑफ टू द लास्ट 1000 नंबर ओके सो एज यू कैन सी द 600 इज 9 इज बिगर देन 500 सो हम इसको जो नेक्स्ट 1000 है उसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे एंड आफ्टर 3609 व्हाट इज द नेक्स्ट 1000 दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय ओके सो 3609 आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट बिकेम 4000 सेम विद 53 तो 53 इज अ टू डिजिट नंबर दैट मीन्स वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस एंड इन टेंस द लास्ट डिजिट शुड बी इसमें से हमें सिंगल डिजिट लास्ट डिजिट देखना है तो दैट इज 3 एंड विच इज लेस देन 5 सो अब क्या करेंगे इसको हम क्या राउंड करेंगे लास्ट प्रीवियस टेंस के पास सो दैट मीन्स इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 50 क्लियर सो नाउ 2 solve this we think हम क्या सोचेंगे
फोर्थ दोनों में से एक जीरो निकालेंगे, सो दैट मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 50, 400 डिवाइडेड बाय 50, ओके, सो लेट्स डिवाइड 400 विथ 50, ओके, अगर हम टू डिजिट्स लेते हैं दैट इज 40, जो कि छोटा होगा 50 से, तो हम तीनों डिजिट्स लेंगे दैट इज 400. 50 के टेबल में, 50 के टेबल में सबको आता होगा, 50 के टेबल में 400 का आता है, 51 सा 50, 52 सा 100, 53 सा 150, 54 सा 200, 53 सा 250, 56 सा 300, 57 सा 350 एंड 58 सा 400. ओके सॉरी, इट विल बी 5 नॉट 50, सॉरी फॉर दिस, इट विल बी 5, सो इट विल बी राउंडेड ऑफ, दोनों में से एक एक जीरो निकाला है ना, सो इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 5 करेंगे, नॉट 50, सॉरी फॉर दैट बेटा. ओके सो 5 डिवाइडेड बाय, सो 5 को डिवाइड करेंगे, सो 5 एट्स आर 40, ओके सो नथिंग विल बी हियर, जीरो हम नीचे उतारेंगे बट इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट दिस जीरो हियर. अगर हम कोई जीरो नीचे उतारते हैं बट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सो वी जस्ट सिंपली पुट अ जीरो देयर. सो द नंबर एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 80. राइट डाउन एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज 80. क्लियर, सो दिस इज सम नंबर 14. देखिए इसमें बिल्कुल सेम अभी तक जो हमने किया था वही है एग्जैक्टली, वो हमें राउंड ऑफ किया, अगर इसमें हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 1000 थी इसलिए इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ किया, इसमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 10 थी इसलिए इसको नियरेस्ट 10 हमने राउंड ऑफ किया, एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी गॉट आवर क्वेश्चन एज 80, एस्टिमेटेड क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, एस्टिमेटेड क्वेश्चन. ओके सो दिस वॉज आवर एक्सरसाइज 6.6, एंड नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द रेस्ट ऑफ द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.6, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और जो बाकी बचे हुए सम है बेटा दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ ओनली. क्लियर, सो ऑफ अप टू 15 ओनली. ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 ओनली. क्लियर, सो दिस इज फॉर टूडे सेशन क्लास, and I'll see you again tomorrow with some more sums of the same chapter. So till then class, have a good day.